नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? चलिए, तब तो आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, तो लगता है कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ। तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा, अपने हाथ में रबुक ले लीजिए, पेन या पेंसिल कुछ भी आप ले लो, ठीक है। आज आपको टीचर व्याकरण पढ़ाने जा रही है। व्याकरण में क्या पढ़ाने जा रही है? विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम तो हो गया। हाँ, तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विशेषण, ठीक है। चलिए अब मैं आगे पढ़ा रही हूँ। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। अब इसमें एक चीज और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, विशेषण के बाद एक क्या आता है? विशेष्य। विशेषण के बाद क्या आता है? विशेष्य। तो विशेष्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। इसमें क्या है? संज्ञा या सर्वनाम, और उसमें क्या है? जिन शब्दों की, जिन शब्दों की विशेषता बता, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि टीचर विशेषण और विशेष्य क्या है, है ना? विशेषण और विशेष्य क्या है? ये है विशेषण और ये है आपका विशेष्य। इन दोनों में क्या अंतर है? अब विशेषण में क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, यानी कि सीता सुंदर है, गीता रोती है, ये क्या है? उसकी विशेषता बताई जा रही है। लेकिन अगर कहा जाए कि उसका कुर्ता नीले रंग का है, उसका कुर्ता नीले रंग का, वह सुंदर नहीं है या वो उसका रंग नीला नहीं है, बल्कि उसका कुर्ता यानी शब्द, उसका कुर्ता, उसका क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, ठीक है। उसका कुर्ता नीले रंग का है, यानी कि वो उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी? शब्द की, ना कि संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक ना। यहाँ शब्द, शब्द क्या है? कुर्ता। कुर्ता जो है वह नीले रंग का, तो क्या हो गया? विशेष्य, ठीक है। समझ में आया? विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण में हो गया संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं, ठीक ना। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेष्य किसे कहते हैं? जो शब्द की विशेषता बताता हो, जो शब्द की विशेषता बताता हो उसे विशेष्य कहते हैं। अब जैसे आप लोग, अभी मैंने बताया कि विशेषण में हम लोग क्या लिखते हैं? वह सुंदर है, ठीक है। चाहे सीता, सीता सुंदर है, ठीक है, सीता सुंदर है, इसमें क्या है? ये संज्ञा है और ये क्या है? उसकी विशेषता है। ये क्या हो जाएगा? विशेषण। ये क्या हो जाएगा? विशेषण, ठीक है। अब यही
लाल है, लाल है। अब इसमें आप लोग देखो ये कुर्ता जो है ये लाल कुर्ता की विशेषता बता रहा है ना कि सीता की, किसकी विशेषता बता रहा है? कुर्ता की। इसलिए ये क्या हो जाएगा? विशेष। ये क्या हो जाएगा? विशेष। समझिए विशेषण किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं। हाँ तो चलिए मैं आगे पढ़ा रही हूँ विशेषण के भेद। जैसे इसमें आ सकता है अच्छा बुरा कुछ भी आप बोल सकते हैं।
काला, छोटा, खट्टा, कठोर, सुगंधित या फिर कोई दिशा का भी आप नाम दीजिएगा। दिशा का भी अगर ज्ञान कराता हो तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब दूसरा हमारा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। आप लोगों ने इसे समझा, संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी गुण, दोष, रूप, दिशा आदि का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। अब हम लोग चलेंगे संख्यावाचक पे। दूसरा क्या है, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द को संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी संख्या संबंधी विशेषता संख्या संबंधी विशेषता विशेषता बताने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण में उदाहरण क्या आएगा, जैसे मैंने एक रोटी खाए, मैंने जैसे मैंने एक रोटी खाई। अब इसमें क्या है, एक रोटी, ये क्या है, संख्यावाचक। अगर यहां रहता है दो तीन चार पांच तो वो क्या है, संख्या। एक दो तीन चार पांच क्या है, संख्या है, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक। यानी कि संख्यावाचक विशेषण पहचानने में कुछ आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संख्यावाचक विशेषण में क्या आ जाता है, एक रोटी। अगर यहाँ पे रहता मैंने दो केले खाए, मैंने दो केले खाए, तो वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक में क्या हो गया, उसके गुण को बताया गया, और संख्यावाचक में क्या हो गया कि उसमें संख्या बताई जा रही है। अब हम लोग चलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। अब कहाँ हम लोग चलेंगे, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या कहता है, संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी संख्या या सर्वनाम की माप तोल संबंधी
विशेषता बताई जाए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे क्या हो जाएगा, हलवाई ने 2 किलो दूध मंगवाया। हलवाई ने 2 किलो दूध मंगवाया, तो दूध क्या है? क्या पे 2 किलो तो आप बोल दीजिएगा कि टीचर ये संख्यावाचक है? नहीं, वहां पे क्या है, 2 किलो दूध मंगवाया, यानी कि वो माप के मंगवाया, माप के मंगवाया, इसलिए वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। जैसे हलवाई ने 2 लीटर दूध को हम लोग किलो नहीं बोलते, लीटर बोलते हैं, 2 लीटर दूध मंगवाया। ये क्या हो गया आपका, परिमाणवाचक। जैसे कि संख्यावाचक में आप बोल सकते हो कि टीचर यहाँ तो 2 है, ये संख्या है, लेकिन नहीं, यहाँ इसके साथ क्या लगा हुआ है, 2 लीटर। इसके साथ क्या लगा हुआ है, 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, यानी कि दूध को हम लोग माप या तोल सकते हैं, उसे काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इसलिए यह क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। आपके समझ में आया? पहला था गुणवाचक, तो उसमें गुण उसके बताए गए थे। दूसरा संख्या, तो संख्या 1, 2, 3, 4। और तीसरा क्या है, परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक में क्या बताया जाता है, माप या तोल, माप या तोल। अब सबसे अंत में हम लोग पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे आज का होमवर्क रहा, पढ़ना आप लोगों को विशेषण। ठीक है, अब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे, तो इसका उदाहरण एक बार मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।